तो नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी, पोहा। अगर आपको कुछ झटपट और हेल्दी बनाकर तैयार करना हो तो पोहा से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए, इस केवल 1 टीस्पून ऑयल में बनने वाले पोहा को बनाकर तैयार करते हैं। पोहा बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता है, आप इसे नोट डाउन कर लें। पोहा बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और अब आप इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करें। ऑयल गर्म हो चुका है और अब आप इसमें 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा और 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डालें। 10 से 12 पीस करी पत्ते के डालें और इसे एक बार अच्छी तरह से भून लें। 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज डालें और इसे 1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लें। प्याज हमारे हल्के से भून के तैयार हैं, तो अब आप यहाँ पे 1/2 कटोरी बारीक कटा हुआ गाजर और 1 छोटी कटोरी बारीक कटा हुआ फूलगोभी डालकर इन्हें 1 से 2 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पका लें। मैंने यहाँ पे इन सब्जियों को पहले ऐड किया है क्योंकि ये इन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगता है, और बाकी की सब्जियों को मैं बाद में ऐड करूंगी, जैसे कि बॉइल्ड मटर, कॉर्न और शिमला मिर्च, जो कि तुरंत पककर तैयार हो जाते हैं। और अब आप देख सकते हो कि गोभी और गाजर अच्छे से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक हरा मिर्च डालूंगी। मैं इसे स्टार्टिंग में ऐड करना भूल गई थी, तो मैं अभी यहाँ डाल दे रही हूँ। और 1/2 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालें आप, 1/2 कप बॉइल्ड मटर डालें और 1/3 कप बॉइल्ड कॉर्न डालकर इसे 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड कॉर्न और मटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो फ्रेश मटर और कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पोहा में आप अपने मनपसंद के हिसाब से सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, और भी सब्जियाँ आप डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे कि बीन्स, आलू। तो जब तक हमारी सब्जियां फ्राई होती हैं, हम पोहा को भी धोकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पोहा लिया है। आप पोहा को वॉश करने के लिए इस तरह से एक बॉल के ऊपर एक स्ट्रेनर रखें और इसमें आप अपने पोहा को ऐड कर दें। आप चाहो तो इसे टैप के नीचे भी वॉश कर सकते हो। और अब आप पानी डालकर चारों तरफ से पोहा को अच्छी तरह से धो लें। ध्यान रहे कि आप ज्यादा वाटर ना डालें, नहीं तो आपके पोहे टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। निखले पोहे बनाने के लिए आप इस तरह से पोहा को वॉश करें और उसके बाद एक स्पून की हेल्प से इन्हें थोड़ा मिला लें। तो आप देख सकते हैं कि पोहा हमारा अच्छे से फूलकर तैयार है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए यूं ही रहने देंगे और इसके बाद इसे सब्जियों में ऐड करेंगे। सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो अब आप इस पे नमक स्वादानुसार डालें और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब आप इसमें पोहा ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब आप देख सकते हैं पोहा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये परफेक्ट खिले खिले पोहे बनकर तैयार हुए हैं। और अब आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिला लें और गैस ऑफ कर दें। देखिए कितने खिले खिले पोहे बनके तैयार हुए हैं। तो आप इसे सर्विंग प्लेट पे निकाल लें। आप चाहो तो इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स और परिवार के सदस्यों को ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। हम पोहा को भुनी हुई मूंगफली और अनारदाना डालकर सर्व करेंगे, जिससे कि ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगी खाने में। आप चाहो तो इसे नमकीन सेव डालकर भी इंजॉय कर सकते हो। केवल 1 टीस्पून में बनकर ये स्वादिष्ट पोहा बिल्कुल तैयार है ब्रेकफास्ट के लिए। तो अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अपने फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। So have a great day and bye bye. और भी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स रेसिपीज देखने के लिए आप दिए गए वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।
और मेरे आइकन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।